अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी हम जो है सफ़र कर रहे हैं चिलास से गिलगित की तरफ, तो हमारे साथ रहिएगा। आपको सारे रोड की कंडीशन वगैरह दिखाएंगे और ये जो आगे तत्ता पानी आएगा वो जो कंडीशन है वहाँ पे कितना टाइम वेट करना होता है, क्या कंडीशन है, वो सारा रास्ता आपको हम क्लियरली व्यू करवाएंगे स्क्रीन में। और ये देखें, आप स्क्रीन में देख सकते हैं अभी जो एरिया आ गया है लाइन स्लाइडिंग का एरिया है, यहाँ से जो है लाइन स्लाइडिंग क्लियर की हुई है। ये जो है काफ़ी जगह है, ये पहाड़ जो है यहाँ से लाइन स्लाइडिंग होती रहती है अक्सर। तो ये देखें साइड पे क्लियर किया हुआ है रोड को, और ये देखें हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीन में आप क्लियरली देख सकते हैं लाइन स्लाइडिंग काफ़ी हुई हुई है। और ये देखें अभी जो ओए होए होए होए, ये देखें बस वाले ने कितना गलत टर्न लिया है और स्पीड में। ये देखें आगे मट्टी मट्टी हो गई है, सारा रास्ता जो है ना अभी, बस ये जो है ना आपने एहतियात करनी है काफ़ी ज़्यादा ना, टर्निंग पॉइंट पे ना, जहाँ पे आपको टर्न आए तो काफ़ी जो है ना एहतियात से अपनी गाड़ी ड्राइव करनी है, क्योंकि फैमिली के साथ होते हैं, लड़के जो होते हैं वो जल्दी करते हैं, तो इसलिए आप सब ने एहतियात करना है और सेफ़ ड्राइव करनी है, और जितना जल्दी हो सके लैंड स्लाइडिंग एरिया से जो है ना गाड़ी को बाहर कर लेना चाहिए। ज़्यादा टाइम जो है ना लैंड स्लाइडिंग एरिया में नहीं रुकना, ना कहीं पे ब्रेक लगानी है। जैसे ही आपको रास्ता क्लियर मिले तो अपनी गाड़ी चलाते रहना है। और ये देखें बस अभी लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया ऑलमोस्ट जो है एंड होने वाला है। आप देख सकते हैं तत्ते पानी वाली जगह पे हम पहुंच चुके हैं। राइट साइड पे क्रेन वर्क कर रही है, लाइन स्लाइडिंग एरिया जो है क्लियर हुआ हुआ है। तो ये अभी हम स्टॉप हुए खड़े हैं, रुकी खड़ी है गाड़ी, क्योंकि आगे से क्रॉसिंग हो रही है ये ट्रक वगैरह। जैसे ही क्लियर होगा रास्ता तो हमारे वाली लाइन चलेगी, अभी हम वेट कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह खैर करे, यहाँ पर जो है ना वेट करना भी जो है ना परेशानी से कम नहीं है। पानी का ये जो जहाँ से पानी आ रहा है ना, ये सबसे ख़तरनाक जगह है। यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल से क्रॉस होती है। तो और लेफ्ट साइड पे दरिया है, तो ये सबसे जो है ना ख़तरनाक जगह है अभी जो हमने क्रॉस की है। तो यहाँ पे जो है ना टाइम भी लगता है, क्रॉसिंग के लिए रुकना भी पड़ता है। तो यहाँ पे सारे मसले हैं, और ये हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं। ये क्रॉसिंग हो रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। यहाँ पे जो है ना दिन में ही सफ़र करना चाहिए, रात को कभी भी यहाँ पे सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक एरिया है। तो बेहतर है कि हम दिन में ही बस सफ़र करें यहाँ पर। और ये अब हम जो है स्टॉप हो रहे हैं, यहाँ पे रुक रहे हैं, आगे ट्रक वाले को क्रॉसिंग दे रहे हैं। और ये वाइट गाड़ी वाला जो है ना बेवकूफ़ नहीं रुक रहा, और इसकी वजह से ही अभी मसला होगा आगे, क्योंकि रोड ब्लॉक हो जाएगा। और वो देखें उस स्क्रीन में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि अब रोड ब्लॉक हो गया है, ना क्रॉसिंग हो सकती है। अब यहाँ पर ये जैसे बेवकूफ़ ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसा ड्राइवर बेवकूफ़ है ना कि दो मिनट वेट नहीं किया और आगे गाड़ी चला दी है। अब यहाँ पे जो है 15-20 मिनट
जलील होना पड़ेगा। अब ट्रक वाला कैसे पीछे जाए और आगे आए, इन लोगों को ज़रा सी समझ नहीं आती। ਸਫਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗਿਲਗਿਤ ਮਜਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਾਸ ਕਰ ਹੀ ਲਗੀ ਹੈ। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके।